टॉप न्यूज में आप हैं मेरे यानी कि देव के साथ। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा को एसआईटी ने अरेस्ट कर लिया है। छात्रा को उसके घर से अरेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने लड़की को चप्पल तक नहीं पहनने दी और उसे जबरन घसीटते हुए उसके कमरे से निकालकर अरेस्ट कर लिया। इससे पहले स्थानीय कोर्ट ने मंगलवार को छात्रा की अग्रिम जमानत की याचिका को स्वीकार कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 सितंबर का दिन तय किया है। आपको बता दें कि छात्रा पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। एसआईटी की जांच में छात्रा और चिन्मयानंद को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। एसआईटी की जांच के मुताबिक आरोप लगाने वाली छात्रा और चिन्मयानंद के बीच जनवरी 2019 से अगस्त महीने के बीच 200 बार फोन कॉल्स हुई थी। उधर उन्हीं 8 महीनों के दौरान छात्रा और उनके साथी संजय के बीच 4200 से ज्यादा बार फोन पर बात हुई थी। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया है कि एसआईटी ने हर जरूरी डिजिटल साक्ष्य, दोनों पक्षों के फोन कॉल डिटेल्स जुटाए हैं। घटनास्थल, संस्थान, पीड़िता के घर और हॉस्टल के सभी साक्ष्य एकत्र किए गए। गाड़ियों के मूवमेंट, टोल टैक्स बैरियर, दिल्ली और राजस्थान के होटलों से सीसीटीवी फुटेज, बैंक और एटीएम से रकम निकालने से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। एसआईटी ने यह भी दावा किया है कि छात्रा के 3 साथियों संजय सिंह, सचिन सेंगर उर्फ सोनू और विक्रम ने स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए मांगने की बात कबूली है। इन तीनों ने वायरल वीडियो में खुद के होने की भी बात स्वीकार की है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर घाटी पिछले 51 दिनों से दुनिया से कटी हुई है। मोबाइल सेवा अभी तक बहाल नहीं की गई है। हालांकि अब लैंडलाइन फोन्स काम कर रहे हैं और अब लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। कमाई या यूं कहिए कि लूट का जरिया। कई जगहों पर तो अब पीसीओ भी खुलने लगे हैं। 1 मिनट की बातचीत के लिए 30 से 50 रुपए तक लिए जा रहे हैं। अपनों की आवाज सुनने को तरस गए लोग ये कीमत भी चुकाने को तैयार हैं। लोगों का कहना है कि वो भी अपने घर पर लैंडलाइन कनेक्शन लेंगे, क्योंकि अगर मोबाइल सेवा बहाल कर भी दी गई तो कोई गारंटी नहीं है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में फिर से सब बंद कर दिया जाएगा। बीएसएनएल के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 76 एक्सचेंज में 43,400 लैंडलाइन फोन्स काम कर रहे हैं। इनमें से 4,000 नए कनेक्शन हैं जो लैंडलाइन फोन से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद दिए गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों के कई शहरों में मंगलवार को 5.8 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण पीओके में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र पीओके में न्यू बीरपुर के निकट स्थित था। पीओके भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुआ। भूकंप 4:02 पर आया, जिसका अधिकेंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। मीरपुर में सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही हैं। कई वाहन पलट गए हैं। कई कारें भूकंप से सड़कों पर बने गहरे गड्ढों में गिर गईं। मीरपुर में सरकारी प्रसारण भवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भूकंप बहुत शक्तिशाली था और लोग दहशत में इमारतों से बाहर निकल आए। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को हुई द्विपक्षीय बैठक में जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की और दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते पर जोर दिया। ट्रंप ने पीएम मोदी को फादर ऑफ इंडिया से लेकर भारत का एल्विस प्रेस्ली तक बताया। देखिए। Your personal chemistry with Prime Minister. Well, my personal chemistry is as good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before, now not intimately, but I remember India before. It was very torn. It was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. Maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. But he brought things together, and you don't hear that anymore. So I think he's done a fantastic job. And I think that what the event showed is how much I like the country of India and how much I like your prime minister. There was tremendous spirit in that room, too. And they love this gentleman to my right. They really do. Those people went crazy. That was like Elvis. That was like an American. He's like an American version of Elvis. It's like we brought in the middle of an all-American deal. Elvis Presley came back.
No, he was, that was quite something. They love your prime minister. It's a great thing. Mr. President, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद से उन्हें लगातार मिल रही बधाइयों के लिए अमिताभ ने सोशल मीडिया पर आभार जताया। उन्होंने लिखा, मेरे पास शब्द नहीं है, कृतज्ञ हूं मैं, परिपूर्ण आभार और धन्यवाद। मैं केवल एक विनयपूर्ण विनम्र अमिताभ बच्चन हूं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को की गई थी। ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर अमिताभ को बधाई देने का सिलसिला चल रहा है। सेलिब्रिटीज के अलावा सोशल मीडिया पर कई आम लोगों ने भी बिग बी को बधाई दी है। ऐसी और खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।